सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जनरेशन ज्ञान को और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मुकेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी अपने चैनल का एक इंट्रो बनाना चाहते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सब्सक्राइब बटन और बेल बटन पे क्लिक किया जाता है, तो आप उसको कैसे बना सकते हैं आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना YouTube पेज खोल लेना है किसी और की आईडी से या किसी और आईडी से, और अपने उस पेज का सब्सक्राइब के पहले का और सब्सक्राइब के बाद का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि अभी मैंने लिया आपने देखा, और ठीक उसी तरीके से आपको बेल पे प्रेस करना है और उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ भी हमने देखिए जैसे बेल पे पहले जब बेल पे क्लिक नहीं थी तब का एक स्क्रीनशॉट लिया और बेल पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ये हमने ले लिया है। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं सबसे पहले किसी और आईडी से लॉगिन करके। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है और वहां सर्च करना है मोबाइल PNG। मोबाइल PNG सर्च करने के बाद आपके सामने आपको जो भी स्क्रीन पसंद आए आप उसकी स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि मैं इस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लिया हूँ। मोबाइल की स्क्रीन डाउनलोड करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको दोबारा से सर्च करना है ग्रीन बटन सब्सक्राइब हैंड, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं ग्रीन बटन सब्सक्राइब हैंड। इस तरीके से आपको जो वो हैंड होता है क्लिक करने वाला वो आपको मिल जाएगा और आप उसी ग्रीन बैकग्राउंड वाले को उठाइएगा जिसमें वो चलता हुआ वीडियो होगा, तो उसको भी आपको एक डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए चलता हुआ जैसा वीडियो है, इसे भी आपने डाउनलोड कर लेना है। और कोशिश करिएगा कि जब आप सर्च करिए तो इस वाले को कॉपीराइट में सर्च करिएगा कि कॉपीराइट ग्रीन बैकग्राउंड हैंड कॉपीराइट ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना हो आपको आगे चल करके। और इसे डाउनलोड करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि इसको यहाँ से आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करिए तो आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और किसी भी ब्राउज़र में जा कर के यूट्यूब डाउनलोडर या यूट्यूब वीडियो डाउनलोड इस तरीके से सर्च करके जो भी आपको लिंक मिलेगी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन फिर भी आप YouTube डाउनलोडर सर्च करेंगे तो आपको कोई भी एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक में जा कर के अपनी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने Y2Mate एक वेबसाइट है, इसमें पेस्ट कर दिया अपने उस लिंक को जो मैंने वहाँ कॉपी किया था और यहाँ से इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। बस आपको इतना काम करना है, एक ग्रीन बैकग्राउंड हैंड डाउनलोड करना है, मोबाइल PNG डाउनलोड करना है और अपने स्क्रीनशॉट को ले लेना है दूसरे की आईडी, किसी दूसरे आईडी से लॉगिन करके अपने चैनल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ों को KineMaster में ले जाना है, KineMaster में एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको ओपन करनी है। चलिए हम इसको एक एक करके ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी कलर का बैकग्राउंड जो भी आपको सही लगे, उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, मतलब लंबा कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपने सबसे पहले स्क्रीनशॉट ली थी उस स्क्रीनशॉट को लगाइएगा सब्सक्राइब करने के पहले वाली स्क्रीनशॉट लगाइए। लगाने के बाद आपने अपनी दूसरी वाली स्क्रीनशॉट को लेना है जो सब्सक्राइब होने के बाद आपने लिया था। उसके बाद आपको फिर से अपने सेम मीडिया में जा कर के तीसरी वाली स्क्रीनशॉट लेनी है जो आपने बेल आइकन को दबाने से पहले लिया था। उसके बाद फिर से आपने सेम मीडिया में जाना है और आपको चौथी स्क्रीनशॉट लेनी है जो आपने बेल आइकन को दबाने के बाद लिया था। तो हमारे पास चारों हमारी जो स्क्रीनशॉट थी वो हमने ले ली है, एक
सब्सक्राइब बटन की, एक सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन की और एक बेल आइकन को दबाने के बाद ये चारों स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर से अपने सेम वही लेयर वाले में मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो हैंड वाली पिक डाउनलोड की थी, हैंड वाली वीडियो और जो मोबाइल वाली वीडियो डाउनलोड की, इन दोनों को भी लेना है। अभी हम पहले मोबाइल वाली ले रहे हैं, PNG वाली जो हमने वीडियो PNG वाला जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था इमेज, उसको हम पहले ले लेते हैं। लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा पहले अपनी वीडियो के हिसाब से, जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जब ये बिल्कुल फिट हो जाएगा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम सेम वही अपने जो हमने स्क्रीनशॉट ली थी उसको अपने इस मोबाइल के PNG के साथ एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट होने के बाद हम फिर से अपनी लेयर वाले में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और हम मीडिया में जाने के बाद जो हमने ग्रीन बैकग्राउंड वाला हैंड डाउनलोड किया था उसको भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने सब्सक्राइब वाले बटन पे इस तरीके से कि हमारा जो बटन क्लिक होता है वो बिल्कुल उसकी टाइमिंग मैच हो जाए और मैच होने के बाद ऐसा लगे कि वो सब्सक्राइब वाला बटन लाल के बाद जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो वो वाइट हो जाता है। उस तरीके से आपको यहाँ सब्सक्राइब पे इसको टाइमिंग अपनी बनानी है। ये जैसे कि मैंने यहाँ देखिए ये एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसी तरीके से जब सब्सक्राइब बटन हमारा एडजस्ट हो जाएगा तो फिर हम जो दूसरा एडजस्ट करेंगे वो हम अपने बेल आइकन को एडजस्ट करेंगे सब्सक्राइब बटन को एडजस्ट करने के बाद। चलिए जल्दी से फटाफट इसको भी एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं। इसे एडजस्ट करने के बाद जो है पहले आप अपने जो वीडियो है उसको आगे पीछे स्क्रॉल करके टाइमिंग अपनी मैच करवा लीजिएगा जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ। चलिए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ये देखिए ये हमारा सब्सक्राइब बटन एडजस्ट हो गया है। ये सब्सक्राइब पे क्लिक किया और जो दूसरा क्लिक है वो बेल आइकन पे है। बेल आइकन वाला भी हमने सेट कर लिया है ऑलमोस्ट। बेल आइकन पे भी अब जब हम प्रेस करेंगे तो बेल आइकन का भी जो सब प्रेस होने वाला जो क्लिक होने वाला फीलिंग एक होता है वो भी परफेक्ट यहाँ मैच करवा लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग मैच करवा लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ का लेकर चल रहे हैं अपना। मेरा यहाँ मुश्किल से 7-8 सेकेंड का, 9 सेकंड का है। आप अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिए। देखिए बेल आइकन वाला है, बेल आइकन पे हमने ये प्रेस किया, इसको हमने ये एडजस्ट कर लिया है। चलिए फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं। आप भी इसी तरीके से अपना इंट्रो जो है वो एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके की इंट्रो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में और आप भी इस तरीके की इंट्रो बनाते रहिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।